हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हुदाफ्ना रेसिपीज़। आज की रेसिपी है घर के दही से बनाई है मैंने ये लस्सी। और दही कैसे जमाया जाता है उसकी भी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, वो भी बिना मिट्टी के बर्तन के। यानी अगर मेरे घर पे मिट्टी का बर्तन नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम दही नहीं जमा सकते। अच्छा, प्लेन घर के बर्तनों में भी हम बहुत अच्छा दही जमा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और लास्ट तक। मैं बहुत टाइप की लस्सी आपको बताने वाली हूँ और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो ये दूध है आधा लीटर, हल्का सा उसको गैस में गर्म कर लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें फ्रेश दही, जी हाँ, एकदम फ्रेश दही से ही अगर आप जमाएंगे तो बहुत अच्छा जमता है। तो ये दही ले लिया था मैंने, थोड़ा सा उसको दूध के साथ अच्छे से घुमा दिया था और फिर रात भर के लिए ये मिर्ची डाल करके रख दिया था। आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा जमा है मेरा दही, बिल्कुल थिक है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है। जस्ट लुक एट दिस माय दही। सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ये फ़र्क होता है कि जो इसका जो दही का जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ा बहुत मिट्टी जो होती है, मिट्टी का जो बर्तन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हम लोग स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर सिर्फ बाकी रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम नहीं जमा सकते हैं। तो अब मैं लस्सी बनाने जा रही हूँ। तो लस्सी बनाने के लिए मैंने बाउल में दही ले लिया है और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैं बनाऊंगी। आप मिक्सर में भी इसको कर सकते हैं ऐसे, बट मैंने मथानी से ही किया है। तो पानी बहुत हल्का सा मैंने डाला है क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी लस्सी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको अच्छे से, सबसे पहले दही, यानी कि कितनी भी तरीके की आपको लस्सी बनानी हो सबसे पहले आप दही को प्रिपेयर कर लीजिए। तो मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि अपने पार्टीज़ में जान डाल सकते हैं। लोग बोलेंगे अरे इतने टाइप की लस्सी बना डाली है, कोई मेहनत नहीं लगती है। तो सबसे पहले आप अपने दही को प्रिपेयर कर लीजिए। दही प्रिपेयर हो चुका है और ये मैंगो लस्सी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने मैंगो काट के रख लिए थे। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक मीठा वाला मैंगो डाल दिया है, फिर इसमें शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ज़्यादा या कम। मैंने 3 चम्मच कम से कम शुगर डाल दिए, ये कैस्टर शुगर है, पीस करके मैं रख लेती हूँ। फिर इसमें दही ऐड कर दूँगी, और वैसे भी आम का मौसम है तो सबसे पहले मुझे यही लगा कि क्यों ना मैंगो लस्सी बनाई जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मैंगो लस्सी बनाना बता रही हूँ, और मेरी तो बहुत फेवरेट है, मेरे बच्चों की भी बहुत फेवरेट है। इसमें आइस क्यूब्स डाल दें और इसको मिक्स कर लें। और मैं तो मिट्टी का ग्लास स्पेशली लाई थी लस्सी के लिए। थोड़ी सी आपके पास फ्रेश क्रीम होगी, मलाई यानी कि दूध में जो जमती है, तो आप उसको थोड़ा सा पीसते टाइम भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसको ऊपर से लगाया है। टूटी फ्रूटी डाल दी है और थोड़े से मैंगो की स्लाइसेस से मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। बेहतरीन सी ये मैंगो लस्सी रेडी हो चुकी है। और ये रहा रूह अफ़ज़ा या रोज़ वाटर, जो आपको पसंद हो। और एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मैंने मिट्टी की ग्लास में भी बनाया है और मैंने कांच के भी ग्लास में मैंने इसको सर्व किया है, तो आप बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा बेस्ट है? क्योंकि मैं भी रेसिपीज़ बनाती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने वीडियोज़ को बेटर करूँ। अब मेरे नेक्स्ट स्टेप हम आ जाते हैं बनाना लस्सी की तरफ। तो मैंने बनाना कट कर लिए थे, कम से कम ये 2 बनाना है, और फिर उसमें कैस्टर शुगर। बनाना ऑलरेडी मीठा होता है, और ये कैश्यू नट काजू जो है मैंने भिगा दिया था, भीगे हुए काजू बहुत जल्दी पिस जाते हैं, तो आप बेहतर है कि आप इसको भिगा दें। और फिर उसके बाद सिंपल सा दही डाला है, वही जो मैंने मैश करके रखा हुआ था, आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और इसको बस ग्राइंड कर लूँगी मैं। And then serve.
और आप तो एप्पल की भी लस्सी बना सकते हो, चीकू की भी लस्सी बन सकती है। तो एक टिप है कि मैंने जैसे कुछ फ्रूट्स की आपको दिखाई है, तो आप अदर फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है आपको। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थोड़ा सा पिस्ता काजू बादाम से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। तो रेडी हो गई थी बनाना लस्सी। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं चॉकलेट लस्सी की तरफ। जी हाँ, बहुत टेस्टी थी ये। तो ये चॉकलेट, आप चॉकलेट ज़रूरी नहीं कि आप पाउडर डालें, आप चॉकलेट कोई भी ले सकते हैं। नॉर्मल सी जो शॉप में मिलती हैं चॉकलेट, जो बच्चे खाते हैं, पर्क है या कैडबरी है, कोई भी ले सकते हैं आप। तो उसको भी आप पीस करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये दही हो गया, चॉकलेट हो गया, देन कैस्टर शुगर हो गया। अगर आप चॉकलेट पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा मलाई और कैस्टर शुगर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। मीन्स अगर 2 टीस्पून आपका चॉकलेट पाउडर है तो 4 टीस्पून आपका शुगर होना चाहिए और 2 टीस्पून आपकी मलाई होनी चाहिए। तो ये रही चॉकलेट लस्सी। मेरे मुंह में तो अभी भी पानी, मैं पी चुकी हूँ फिर भी मुझे पानी आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको गार्निशिंग कर देते हैं पाउडर, और थोड़ी सी और लस्सी ऊपर से दही डाल देते हैं इसके। आप अपने तरीके से जैसा आप डेकोरेट करना चाहते हैं आप अपनी लस्सी को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं केसर पिस्ता लस्सी। पिस्ते को भी मैं मिक्सर में ग्राइंड कर सकती थी, बट मैंने बोला ना, मैं ट्रेडिशनल तरीका यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इसीलिए इससे अच्छे से कूट लिया। और वैसे भी मिक्सर में करते तो थोड़ा बारीक हो जाता है, और मुझे थोड़ा सा दरदरा चाहिए था। और ये दूध में भीगा हुआ केसर है। अब मैं मिक्सर जार में अपने, सबसे पहले मैंने दही ले लिया, फिर इसमें मैं ये केसर वाला जो दूध था वो भीगा हुआ, कलर देखिए कितना प्यारा आया। उसके बाद पिस्ता डाल दूँगी, फिर कैस्टर शुगर है ये, इसमें कम से कम 3 टीस्पून मैंने कैस्टर शुगर डाला हुआ है। बस ग्राइंड करने के बाद ये केसर पिस्ता लस्सी रेडी हो चुकी है। और हम इसे सर्व करने के लिए आइस क्यूब्स मलाई डाल करके और फिर सर्व कर देंगे। आप ग्रीन कलर देख रहे होंगे, हल्का सा एकदम चुटकी भर आप ग्रीन कलर डाल सकते हैं, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि इतना ग्रीन आपको लग रहा होगा कि पिस्ता से तो नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो हल्का सा चुटकी भर आप ग्रीन कलर डाल सकते हैं। तो रेडी हो चुकी है हमारी लस्सी। नेक्स्ट रेसिपी मैं आपको बताऊंगी स्ट्रॉबेरी शेक। तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।